हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन द्वारा एक विशेष मैराथन ब्रेक द बायस और रेस फॉर इक्वलिटी एंड वुमन सेफ्टी का आयोजन किया गया था। मैराथन सुबह 7 बजे कस्तूरचंद पार्क से शुरू हुई और विभिन्न श्रेणियों में करीब 35,000 महिलाओं और लड़कियों ने इस रेस में हिस्सा लिया। 5 किलोमीटर की मैराथन ब्रेक द बायस में प्राजक्ता गुड़बोले ने पहला और 3 किलोमीटर की दौड़ में भाग्यश्री महल्ले ने प्रथम स्थान पाया। 2 किलोमीटर की माँ बेटी दौड़ प्रतियोगिता के 10 विजेताओं को ड्रॉ द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए। महिला स्वयं सहायता समूहों में भाग लेने वाली महिलाओं में से विजेता महिलाओं के नामों की भी घोषणा की गई। पालक मंत्री डॉक्टर नितिन राउत, राज्य के खेल व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार, जिला परिषद अध्यक्षा रश्मि बर्वे, सांसद विकास महात्मे, पूर्व मंत्री सतीश चतुर्वेदी, महिला मैराथन की मुख्य आयोजक एवं जिला कलेक्टर आर विमला व अन्य ने हरी झंडी दिखाकर 5 किलोमीटर की दौड़ की शुरुआत की। इस प्रतियोगिता में छात्राओं ने भी बड़ी संख्या में भाग लिया। आयोजकों ने रेस में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को 3 श्रेणियों में बांटा। महिलाओं में आत्मविश्वास जगाने हेतु इस मैराथन का आयोजन किया गया। महामेट्रो गड्डी गोदाम गुरुद्वारा परिसर में 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण कर रही है, जिसे तकनीकी रूप से बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण माना जाता है। महामेट्रो के CMD डॉक्टर ब्रजेश दीक्षित ने गड्डी गोदाम में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और अधिकारियों को शेष निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि मेट्रो लाइन, फ्लाईओवर और मौजूदा सड़क को जनता के लिए खोला जा सके। डॉक्टर दीक्षित ने निर्माण स्थल पर अधिकारियों और श्रमिकों से बातचीत की और उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित किया। विशेष रूप से कामठी मार्ग पर गड्डी गोदाम में भारत में सबसे बड़ा डबल डेकर गर्डर और सबसे विशाल लोहे का ढांचा है। देश में पहली बार एक बड़ी और भारी 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जा रहा है और यह निर्माण कार्य गड्डी गोदाम RUB में किया जा रहा है, जो एक बहुत ही कठिन और रेलवे लाइन है। गड्डी गोदाम क्रॉसिंग की संरचना में एक 4 स्तरीय परिवहन प्रणाली है। पहले स्तर पर यातायात के लिए एक भूमि मार्ग होगा, दूसरे स्तर पर एक रेलवे ट्रैक होगा, तीसरे और चौथे स्तर पर एक फ्लाईओवर और एक मेट्रो लाइन का समावेश होगा। हमने शहर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 300 खेल के मैदान बनाए हैं। इन मैदानों का देखभाल अब नागरिकों को करना है। यह जनता की संपत्ति है। इन्हीं मैदानों से भविष्य के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। इस आशय के विचार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्वावलंबी नगर अंतर्गत जीवन छाया लेआउट में खेल के मैदान के उद्घाटन के अवसर पर व्यक्त किए। इस कार्यक्रम में महापौर दयाशंकर तिवारी, स्थायी समिति के अध्यक्ष प्रकाश भुयर, सत्तारूढ़ दल के नेता अविनाश ठाकरे, प्रोफेसर राजीव हड़प, नगर सेवक प्रमोद तबाने, दिलीप दिवे, राजेंद्र लोखंडे, किशोर वानखेड़े आदि उपस्थित थे। गडकरी ने कहा, ये मैदान नागपुर के युवा लड़कों और लड़कियों के लिए खेलने के लिए और वरिष्ठों के लिए व्यायाम करने के लिए अच्छी सुविधाएं प्रदान करते हैं। हमने खेलों में रुचि पैदा करने और खिलाड़ियों को खेलने का मौका देने के मकसद से सांसद क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया, जिसे खिलाड़ियों और जनता से अच्छा प्रतिसाद मिला है। यह फेस्टिवल 17 दिनों तक चला। गडकरी ने कहा कि शहर को हर तरह से प्रगति की ओर बढ़ना चाहिए। शहर में स्वास्थ्य, शिक्षा, सांस्कृतिक, औद्योगिक उत्सव, मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा पुलिस विभाग में भर्ती संबंधित हो रहे भ्रष्टाचार के फोन टैपिंग वाले सबूत केंद्रीय गृह विभाग को सौंपे जाने के बाद CBI विभाग जांच कर रही है। इस जांच में राज्य सरकार ने सहयोग करने के बजाय फडणवीस को फंसाने के उद्देश्य से गैरकानूनी तरीके से साइबर पुलिस के माध्यम से BKC कार्यालय में हाजिर रहने का नोटिस जारी किया। इसके विरोध में भाजपा द्वारा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रविवार सुबह वैरायटी चौक पर भाजपा महानगर द्वारा आंदोलन किया गया। इस आंदोलन को भाजपा शहर अध्यक्ष विधायक प्रवीण दटके ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में सरकार भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के बजाय भ्रष्टाचार को सबूत सहित उजागर करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके ऊपर ही कार्रवाई कर रही है। विरोधी पक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने जब से मंत्रिमंडल में शामिल भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ एक एक कर सबूत इकट्ठा किए हैं, तब मुख्यमंत्री सहित गठबंधन सरकार की सभी पार्टियों के नेताओं में काफी घबराहट है। तब से कई प्रकार की नई नई चालें चलकर फडणवीस को फंसाने के मौके ढूंढने में सरकार व्यस्त है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा रविवार सुबह 6:30 बजे दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र परिसर में लोकप्रिय प्रातःकालीन संगीत सभा ब्रह्मनाथ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में नागपुर के प्रसिद्ध सितार वादक अवनिंद्र शिवलीकर द्वारा सितार वादन की सुमधुर प्रस्तुति दी गई। इस संगीत सभा का उद्घाटन अंतर्राष्ट्रीय संतूर वादक पंडित वाल्मीकि धांदे,
प्रसिद्ध गायक अनिल खोब्रागड़े, स्वराली संगीत संस्था की प्रमुख नंदिनी सहस्त्रबुद्धे एवं दीपाली खिरवड़कर द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के कार्यकारी अधिकारी शशांक दंडे की उपस्थिति रही। इस प्रातःकालीन संगीत सभा का दर्शकों ने प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन पद्धति से आनंद लिया। इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण के माध्यम से 2007 से अधिक दर्शकों ने आनंद लिया। अवनिंद्र शिवलीकर ने अपने सितार वादन का प्रारंभ राग गुजरी तोड़ी में आलाप, झाला एवं बंदिश की प्रस्तुति देकर किया। इसके पश्चात रूपक ताल एक ताल में बंदिश की सुमधुर प्रस्तुति दी। उन्होंने अपने वादन का समापन मंत्रमुग्ध कर देने वाली भैरवी की प्रस्तुति से किया। उनके साथ तबले पर अकोला के शांतनु माई ने संगत की। कार्यक्रम का मंच संचालन श्वेता शेलगांवकर ने किया। नागपुर वन विभाग के अंतर्गत उत्तर उमरेड़ वन परिक्षेत्र में मकर धुकड़ा उपक्षेत्र में उदासा बीट में एक निजी खेत में वन्य जीव वाघ की मौत हो गई है। यह घटना रविवार शाम 4 बजे सामने आई। स्थानीय किसानों ने घटना की सूचना वन विभाग के कर्मचारियों को दी। सूचना मिलते ही वन विभाग के कर्मचारी घटनास्थल पर पहुंचे। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने घटनास्थल और उसके आसपास के 500 मीटर इलाके का निरीक्षण किया और इस घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ वन अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। इसके पश्चात NTCA की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार कार्रवाई की गई। घटनास्थल पर डॉक्टर भरत सिंह हड़ा, उप वन संरक्षक नागपुर वन विभाग, NG चांदेवार, सहायक वन संरक्षक NTCA प्रतिनिधि अजिंक्य भाटकर, PCCA प्रतिनिधि रोहित काक, डॉक्टर समर्थ, डॉक्टर प्रमोद सपाटे, डॉक्टर स्वप्निल सोनवाने, डॉक्टर काकड़े, वन परिक्षेत्र अधिकारी AK मड़ावी तथा अन्य विभाग के कर्मचारीगण उपस्थित थे। NTCA की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार घटना सूर्यास्त के समय होने की वजह से पोस्टमार्टम की प्रक्रिया अगले दिन ही प्रारंभ हो पाएगी। मृत बाघ एक नर है। अनुमान के अनुसार उसकी उम्र 2.5 वर्ष के आसपास है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को एक पत्र भेजकर उनका ध्यान GST नियम के तहत केवल GST में पंजीकृत लोगों द्वारा ही ई कॉमर्स पर माल बेचा जाए इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया। दरअसल यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के ठीक विपरीत है। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने वित्त मंत्री से आग्रह किया है कि GST काउंसिल की अगली बैठक में इस विषय पर चर्चा कर निर्णय लेते हुए GST कानून की धारा 24 एवं धारा 52 में संशोधन कर इस विसंगति को तुरंत समाप्त किया जाए। कैट ने कहा कि धारा 24 में ई कॉमर्स से व्यापार करने वाले लोगों को अनिवार्य GST में पंजीकरण से मुक्त किया जाए तथा धारा 52 में संशोधन कर ई कॉमर्स पर हो रहे समस्त व्यापार पर 1% की दर से GST कर मार्केट प्लेस चलाने वाली कंपनियों से लिया जाए। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया और राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि GST अधिनियम के तहत एक विक्रेता जो ई कॉमर्स में उत्पाद बेचना चाहता है उसे अनिवार्य रूप से GST नंबर प्राप्त करना आवश्यक है। सल्यूट तिरंगा सामाजिक संस्था महाराष्ट्र राज्य शाखा व ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय नागपुर के संयुक्त तत्वावधान से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के उपलक्ष्य में ईश्वर देशमुख सभागृह में आयोजित रक्तदान शिविर में 82 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन सल्यूट तिरंगा सामाजिक संस्था महाराष्ट्र शाखा की अध्यक्ष डिम्पी बजाज के हस्ते दीप प्रज्वलन व क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा को माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर शारदा भुले, सल्यूट तिरंगा सामाजिक संस्था के सचिव श्रेयस रंगारी, डॉक्टर पूर्णिमा कप्टा, डॉक्टर शारदा भुले, डॉक्टर किशोर धर्माले, अर्चना हिवसे प्रमुखता से उपस्थित थे। रक्तदान शिविर में मार्गदर्शन करते हुए सल्यूट तिरंगा सामाजिक संस्था की अध्यक्ष डिम्पी बजाज ने कहा कि दरअसल रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दानों में से एक है। उन्होंने रक्तदान का यह उपक्रम और अधिक सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए युवाओं से सामने आने की अपील की। रक्तदान शिविर में 82 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शारदा भुले, डॉक्टर किशोर धर्माले, अमूल फाटे, राहुल पाटिल, उमेश कुंडे, स्वाति माटे, नितिन बेलसरे ने रक्त संकलन किया। शिविर के सफल आयोजन के लिए चंद्रशेखर महाड़िक, संतोष सिंह, प्रियंका बिस्ने आदि ने परिश्रम किया। कोसिया विदर्भ MSME क्षेत्र में एक जाना माना संगठन है। इस संगठन के एक प्रतिनिधि मंडल ने उद्योग के नए संयुक्त निदेशक गजेंद्र भारती से मुलाकात कर उनसे MSME क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की। CA जुल्फेश शाह के नेतृत्व में पदाधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें बधाई दी और उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विशेष रूप से MSME क्षेत्र की मौजूदा स्थिति के बारे में चर्चा की।
कोसिया ने जॉइंट डायरेक्टर को एमआईडीसी के बाहर निजी औद्योगिक भूमि पर स्थित उद्योगों द्वारा एनएमआरडीए द्वारा नक्शा मंजूरी में आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। अब एनएमआरडीए नागपुर महानगर पालिका सीमा के बाहर नक्शे की मंजूरी देने वाला प्राधिकरण है। इसे अपने कड़े मानदंडों और अन्य बाधाओं के साथ पूरा करना हितधारकों के लिए एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। कोसिया के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य सरकार की योजनाओं के तहत सब्सिडी राशि के विलंब से वितरण के मुद्दे के बारे में भी अवगत कराया। उद्यम और उद्योग अभी महामारी के कठिन दौर से बाहर आ रहे हैं और स्थिति में यदि अधिकारियों द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन सब्सिडी का समय पर वितरण किया जाता है तो यह उद्यमियों और विशेष रूप से सूक्ष्म एवं लघु इकाइयों के लिए वरदान साबित हो सकता है। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है। यह जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा। यह जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित 28वें ऑरेंज सिटी क्राफ्ट मेला एवं लोक नृत्य समारोह के तृतीय दिन रविवार को नागरिकों की भारी भीड़ रही। इस वर्ष प्रवेश द्वार एवं मंच सजावट गांव की संस्कृति पर आधारित है। भारतीय पारंपरिक चौपाल और घर के आंगन को इसमें प्रस्तुत किया गया है। रविवार के कार्यक्रम का प्रारंभ दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के संचालक मंडल के सदस्य आनंद कस्बे, संस्कार भारती की अखिल भारतीय रंगोली एवं पश्चिम क्षेत्र प्रमुख चंद्रकांत घरोटे, पूर्व रजिस्ट्रार अरविंद पाटिल ने दीप प्रज्वलन कर किया। शाम 6:30 बजे से मनमोहक लोक नृत्य की प्रस्तुति हुई, जिसका प्रारंभ पूर्णिमा चौहान एवं टीम ने गणेश वंदना की प्रस्तुति से किया। इसके पश्चात सत्यप्रिया एवं समूह द्वारा गोटीपुआ नृत्य, पद्मश्री राम साहेब पांडे एवं समूह द्वारा राई नृत्य, पद्मश्री राधेश्याम बार्ले एवं समूह द्वारा पंथी नृत्य, प्रकाश बिष्ट एवं समूह द्वारा छपेली नृत्य, गिरिराज एवं समूह द्वारा बिहू नृत्य, पूर्णिमा चौहान एवं समूह द्वारा लावणी नृत्य एवं शिव नारायण एवं समूह द्वारा चक्री नृत्य की शानदार प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम का सूत्र संचालन लेखा अधिकारी दीपक पाटिल ने किया। मेले में रविवार शाम को चारों तरफ दर्शकों की भीड़ का नजारा परिसर में देखने को मिल रहा था। 6वें ऑरेंज सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और 16 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों की स्क्रीनिंग से दर्शकों के लिए एक यादगार लम्हा बन गया है। इस वर्ष दर्शकों को विभिन्न प्रकार के विषयों पर बनी बेहतरीन फिल्मों और निर्देशक अभिनेताओं के साथ दिल से बातचीत करने का मौका मिला। युवा गठजोड़ से लेकर वरिष्ठ नागरिकों तक फिल्म देखने की भीड़ उमड़ पड़ी। आयोजन समिति के प्रमुख डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम ने कहा कि 6वें ऑरेंज सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है और इससे हमें फिर से एक बड़ा फेस्टिवल का आयोजन करने की प्रेरणा मिल रही है। वरिष्ठ निर्देशक समर नखाते ने कहा कि सिनेमा की खातिर एक साथ आना नागरिकों एवं दर्शकों की सामाजिक संवेदनशीलता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि फिल्मों में पूरी दुनिया को एक साथ लाने की ताकत होती है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान विभिन्न विषयों और भाषाओं पर आधारित 16 फिल्में दिखाई गई और सभी के शो हाउसफुल पाए गए। इसके लिए आयोजन समिति के सचिव विलास मानेकर एवं सदस्यों ने दर्शकों का आभार माना है। दर्शकों की ओर से भी फिल्म फेस्टिवल की समय सीमा बढ़ाने की मांग सामने आ रही है। जब हमें सत्यता का बोध हो जाता है तब हम अपने जीवन में हर पल रहने वाला स्थायी सुख को प्राप्त कर लेते हैं। एक बार प्रभु परमात्मा का ज्ञान हमें मिल जाता है तो उसके पश्चात जीवन को कैसे जीना है उसकी शिक्षा हमें मिलती है। इस दिशा में सत्संग की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे जीवन का हर पल प्रभु परमात्मा द्वारा दिया गया है, इसलिए हमें उसका सदुपयोग करते हुए सकारात्मक भाव से जीवन जीना चाहिए। अपने जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए संतों ने तो सदैव ही यही चाहा है कि हर एक के लिए भले की कामना करनी चाहिए, हर एक को इस वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाया जाए, इसका दर्शन करा दिया जाए और इसकी पहचान के उपरांत अच्छे गुणों को प्रदान किया जाए, क्योंकि उसी में स्थायी सुख छिपा है। छोटे छोटे सुख तो कहीं ना कहीं
हर समय मिल जाते हैं, पर ऐसा कौन सा सुख है जो हर समय एक जैसा ही हो और उसमें कुछ बढ़ाया या घटाया न जा सके। यह सुख एक आशीर्वाद की अवस्था होती है। चैन या खुशी से भी ऊपर उठकर वह सुख हमें संतों का संग रखने से ही प्राप्त होता है। स्थानीय VMV वाणिज्य JMT कला एवं JJP विज्ञान महाविद्यालय के स्त्री प्रकोष्ठ समिति द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लकड़गंज पुलिस थाना की पुलिस उपनिरीक्षक दिशा पाटिल प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थी। उन्होंने अपने व्याख्यान में विद्यार्थियों को साइबर अपराध के बारे में जानकारी देते हुए फेसबुक तथा इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट का सावधानी से इस्तेमाल करने की बात कही। आगे प्रश्नोत्तर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान किया गया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों को अपनी शुभकामनाएं दी और विद्यार्थियों के लिए आगे भी ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन कर उनकी समस्याएं समझकर उनका समाधान करने की बात कही। स्त्री प्रकोष्ठ समिति समन्वयक डॉक्टर राखी जाधव ने कार्यक्रम का प्रास्ताविक भाषण दिया और कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सीमा पांडे ने किया। आभार प्रदर्शन डॉक्टर मीना देशमुख ने किया। इस अवसर पर समिति सदस्य डॉक्टर कल्पना पांडे, प्राध्यापक गण एवं विद्यार्थी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हाल ही में महिला दिन के उपलक्ष्य में राजलक्ष्मी डी सावरिया के हाथों श्रमिक माथाड़ी महिलाओं का सत्कार किया गया। राजलक्ष्मी सावरिया ने श्रमिक महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई, जो समाज के सामने एक मिसाल है। इस अवसर पर भ्रष्टाचार निर्मूलन समिति के महाराष्ट्र अध्यक्ष DN सावरिया प्रमुख अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। श्रमिक माथाड़ी महिलाओं के बच्चों में पुस्तक तथा अल्पोपहार का वितरण किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु सुरेश शाहू, रुचिका सावरिया, निरंजन सावरिया, धनेश्वर सावरिया, सुखदेव शाहू, सुगवती शाहू, कमल शाहू, राम खेलावन शंभू, शैलेंद्र भावे, महेश पाली, दीपक वाघेला, कमलाकर वाघेला, नरेंद्र चौबे, सचिन चौहान आदि ने योगदान दिया। हाल ही में स्वामीनारायण मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्वामीनारायण इंटरनेशनल स्कूल वापी में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान देश के विभिन्न राज्यों से महिलाएं शहर में एकत्रित हुई। महात्मा गांधी सेंटेनियल सिंधी हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के प्राचार्य एवं सलूट तिरंगा की महाराष्ट्र कार्यकारी अध्यक्षा डिम्पी दीपक बजाज का सत्कार किया गया। बजाज का शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, नारी सशक्तिकरण व राजकीय क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। स्वामीनारायण कपिल स्वामी तथा सैल्यूट तिरंगा सामाजिक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश झा के हस्ते शाल, श्रीफल, स्मृति चिन्ह एवं पुष्प गुच्छ देकर उन्हें सम्मानित किया गया। शहर के उभरते कलाकार मोइन कच्ची ने अपने गायन और अभिनय से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अनेक बड़े कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने अभिनय जगत में अपने हुनर दिखाना शुरू कर दिया है। नवोदय बिजनेस एसोसिएशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में प्रभाग 19 की नगर सेविका विद्या राजेश कनेरे ने लिटिल स्टार मोइन कच्छी को अपने संस्था की ओर से सर्टिफिकेट, मोमेंटो, गुलदस्ता देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना की। संस्थापक अध्यक्ष मनोहरलाल आहूजा ने अतिथियों का स्वागत किया। स्वच्छ भारत अभियान की मध्य नागपुर की अध्यक्षा कल्पना मानापुरे की भी विशेष उपस्थिति रही। मोइन कच्छी ने नए पुराने गीत गाकर वातावरण को संगीतमय बना दिया। इस अवसर पर मनोहरलाल आहूजा, राजेश कनेरे, विष्णु पुरस्वानी, बलराम कंकवानी, ओम प्रकाश चावला, संजय हरडे, मिलिंद मानापुरे, अलीम धरती, हेमंत साहू, रमेश साहू, इकबाल आदि मान्यवर मुख्य रूप से उपस्थित थे। हाल ही में महाराष्ट्र में युवा कांग्रेस चुनाव के परिणाम घोषित किए गए, जिसमें एक बड़ा झटका नागपुर शहर के युवा कांग्रेसियों को लगा। इस चुनाव परिणाम में एक बड़ी धांधली सामने आई। युवा कांग्रेस चुनाव के नियमों के अनुसार 18 से 35 वर्ष के युवा कार्यकर्ता को ही चुनाव लड़ने का नियम पारित किया गया, जबकि 39 वर्षीय कार्यकर्ता से चुनाव लड़वाकर अध्यक्ष घोषित करने का मामला सामने आया है। यह आरोप युवा कांग्रेस नेता वसीम खान ने लगाया है। हाल ही में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में वसीम खान ने कहा कि फर्जी तरीके से चुनाव लड़ने वाले इस उम्मीदवार ने गलत जानकारी देकर चुनाव का फॉर्म भरा। कुछ चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने भी इसकी शिकायत ऑनलाइन माध्यम से की, जिससे इसकी उम्मीदवारी रिजेक्ट की गई थी। इस फर्जी उम्मीदवार का पूरा नाम तौसीफ बशीर खान है। इन्होंने अपना आधार कार्ड जाली पेश किया एवं उम्मीदवार बनकर चुनाव लड़ा। इस विषय पर वसीम खान ने बताया कि राष्ट्रीय सचिव बंटी बाबा शेलके ने अपने पद का दुरुपयोग कर 38 साल के तौसीफ बशीर खान को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़वाकर अध्यक्ष बनाया है। वसीम खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका तीव्र विरोध किया। महामेट्रो द्वारा शहर के व्यवसायियों को व्यापार करने के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु 0 माइल फ्रीडम पार्क मेट्रो स्टेशन पर एक मिनी इलेक्ट्रॉनिक बाजार स्थापित किया जा रहा है।
स्टेशन पर कुल 20 दुकानों का निर्माण किया गया है और यहाँ व्यवसाय करने के लिए स्थानीय व्यापारियों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। इन 20 दुकानों के लिए निविदाएं मंगवाई गई थी, जिनमें से कुल 14 दुकानों का आवंटन किराए के पट्टे पर किया गया है। दुकानों के लिए महामेट्रो द्वारा निविदा जारी की गई थी और इन्हें 9 साल के लिए पट्टे के आधार पर किराए पर दिया जा सकता है। कुल 20 दुकानों में से 17 दुकानों का क्षेत्रफल 125 से 150 वर्ग फुट के आसपास है। अन्य 3 दुकानें आकार में बड़ी है, जिनका क्षेत्रफल 600 से 900 वर्ग फुट के बीच है। इस बारे में अधिक जानकारी महामेट्रो की वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है। महामेट्रो ने सिविल लाइन्स के 0 माइल मेट्रो स्टेशन पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत 20 मंजिला भवन निर्माण के लिए टेंडर जारी किया है। इस 20 मंजिला इमारत में 2 मंजिला बेसमेंट भी होगा। ट्रैफिक पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कुल मिलाकर 2648 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 9,30,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत 9 मामलों में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 20,000 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 2 मामलों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 24,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए वीकेबी न्यूज़। नमस्कार।